फाइव लाइफ चेंजेस जो हर नीट एस्पायरेंट को अभी लेनी चाहिए और न्यू ईयर से अच्छा क्या टाइम होगा ये रिजोल्यूशन लेने के लिए। सबसे पहला, अपनी दिन की शुरुआत जल्दी करें। यू शुड स्टार्ट योर डे अर्ली ताकि आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए अपने कॉम्पिटिटर से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह 3 बजे जागना है, अगर आप जाग रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट अपनी दिन की शुरुआत सुबह 7 या 8 बजे जरूर कर दें। नंबर 2, आपको हमेशा छोटे टारगेट रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक 1 day at a time। हमेशा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, आपको डे ड्रीमिंग नहीं करना चाहिए, आपको कॉन्टेम्पलेट नहीं करना चाहिए कि क्या मुझे ये कॉलेज मिल पाएगा, क्या अभी से मैं तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डटे रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए और छोटे छोटे टारगेट सेट करना चाहिए। आज मैं क्या कर सकता हूं टू मेक माई लाइफ बेटर, आज क्या चेंजेस मैं ला सकता हूं टू मेक माई लाइफ बेटर, आज क्या इनपुट मैं डाल सकता हूं टू मेक माई लाइफ और माई करियर बेटर। तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे ज्यादातर नहीं करते, यू शुड ऑलवेज लर्न टू अनलर्न। आप अपने जीवन के दौर में बहुत ऐसी चीजें सीखते हैं जो गलत होता है, कभी वो कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो पढ़ने का तरीका हो सकता है, वो सीनियर से सुझाया हुआ कोई सुझाव हो सकता है, बट आपको लग रहा है वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, आपको लग रहा है वो आपके लिए गलत है, तो आपको उसको भूलना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू मूव ऑन विथ योर लाइफ। तो यू शुड ऑलवेज लर्न टू अनलर्न। चौथा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए कि बेटा ऐसी कोई चीज जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, वो दोस्त हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी। अगर कोई बोलता है बेटा तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, स्टे अवे फ्रॉम देम, नहीं बात करो उनसे, उनको जवाब अभी नहीं देना, आपको उनको जवाब आपका सिलेक्शन दिलाएगा। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। You should always, always, always prioritize yourself. You should always keep yourself above everyone else. है ना? आपसे important इस दुनिया में कोई नहीं है, ना वो आपके घर वाले हैं, ना वो आपकी girlfriend है, ना वो आपका भाई है, ना वो आपके बहन है, ना वो आपके रिश्तेदार है, आपसे important कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको खुशी मिले और खुद को prioritize कीजिए। तुम खुश रहोगे, तुम successful बनोगे और तुम कोई भी competitive exam crack कर लोगे। इन 5 मंत्र को आप अप्लाई करो इस नए साल और बताओ आपकी लाइफ में इससे प्रोडक्टिव चेंज आया या नहीं। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड उम्मीद करता हूं मैं आप इस न्यू ईयर अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज जाएं और अगला न्यू ईयर आप उसी मेडिकल कॉलेज में मनाएं। थैंक यू।